मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आई हैव एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी बट टुडे आई विल टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट बट इन हिंदी। तो ये जो कविता है इलेवेंथ क्रॉप, इलेवेंथ क्रॉप कविता, ये द्वारा लिखी गई है और इसकी हेडलाइंस में आप देख रहे हैं कि पहले है साइलेंस अराउंड द ट्री, यानी जब कवि पहुंचता है लवर्नर ट्री के पास में तो वहाँ टोटल साइलेंस, बिल्कुल शांति है, ऐसा लगता है यहाँ जीवन ही नहीं, चारों तरफ बिल्कुल शांति। और तभी एटम सीजन, एटम वाली पतझड़ का मौसम, कभी जब लवर्नम ट्री के पास पहुंचता है उस समय जो सीजन चल रहा था पतझड़ का मौसम चल रहा था, और पतझड़ के मौसम में पत्ते पीले पड़ जाते हैं और गिरने लगते हैं, तो पत्ते बहुत से गिर गए थे और कुछ पत्ते बचे हुए थे जिनमें से गिरने ही वाले थे, किसी भी दिन किसी भी क्षण कोई पत्ता गिर सकता था क्योंकि पीले पड़ गए थे, सब पके हुए थे। तो कभी नहीं कहा है कि उस समय जब वो पहुंचा तो देर बाद टोटल साइलेंस अपीयर साइलेंस, बिल्कुल शांति थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर निर्जीव वातावरण है, कोई सजीव प्राणी नहीं है, क्योंकि किसी प्राणी के जानवर हो चाहे पक्षी हो, किसी की अकेले मकोड़े हो, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी। तो उसी बीच में अराइवल ऑफ गोल्ड फिश, उसी समय गोल्ड पिच आती है, ग्रेट साइलेंस है इंटर, तो ग्रेट साइलेंस की शांति भंग हो जाती है, जो ट्री की चारों तरफ शांति थी वो शांति खत्म हो गई और ये चर्पिंग करने लगती है, चहचहाती है चिड़िया, और चहचहाती है तो उसकी आवाज़ को सुन करके उसके जो बॉडी है, बॉडी माने बच्चे, चिक्स जिनको कहते हैं, यहाँ पर आया है चिक्स, चिक्स शब्द बच्चों के लिए आया है, तो स्मॉल बर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द बर्ड्स आर कॉल्ड चिक्स, तो वो जो चिक्स हैं बच्चे हैं चिड़िया के, वो भी चहचहाने लगते हैं। तो चिड़िया एज ए इंजन, तो इंजन की तरीके से काम करती है, जिस तरीके से इंजन क्या करता है, इंजन ऊर्जा का स्रोत होता है, तो चिड़िया भी बच्चों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि वो कुछ लाती है खिलाने के लिए अपने बच्चों को, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो चाहे दाने हो, अपने चोंच में दबा करके लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, बच्चों को भी एनर्जी मिलती है और वो भी कुछ खा करके आती है, तो जब वो चहचहाती है तो बच्चे भी चहचहाने लगते हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी सर चहचहाने लगते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि वो चिड़िया गोल्ड फिंच, चिड़िया के क्या नाम है, गोल्ड फिंच, तो गोल्ड फिंच चिड़िया जब आती है तो बिल्कुल शांति भंग हो जाती है, चहचहाट की आवाज़ सुनाई देती है और सामूहिक गीत सा इतना सुहावना लगती है वो आवाज़, जैसे सामूहिक गीत पक्षियों का हो रहा हो और वो गीत सुन करके कई बड़ा आनंदित होता है। जब वो चिड़िया पीप्स द चिक्स, अपने बच्चों को खिलाती है, कुछ भोजन लाती है वो खिला देती है और खिलाने के बाद में फ्लाइज अवे, फिर वह उड़ करके चली जाती है। जब उड़ करके चिड़िया चली जाती है तो बच्चे भी शांत हो जाते हैं और चिड़िया भी शांत मन से चली जाती है, तो यहाँ पर फिर साइलेंस बरकरार हो जाती है, दोबारा फिर साइलेंस स्थापित हो जाती है वातावरण के अंदर। चिड़िया बिल्कुल लिजर्ड की तरीके से, कि यहाँ पर सिंगली का वर्णन किया गया है कि लिजर्ड माने छिपकली के आकार की है चिड़िया, साइनिंग है छोटी है और साइनिंग है, इसमें स्मूथ बॉडी है, चिकनी बॉडी है, चमकती हुई बॉडी है, इसके फेदर्स चमकते हैं, पंख चमकते हैं और प्रारंभिक चरण में भी शांति थी और बाद में भी शांति थी।
तो सभी तरफ शांति हो जाती है, यही देखा गया है। पहला क्वेश्चन भी ये है कि स्टार्टिंग में आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं पोएम में, और अंत में क्या देखते हैं, क्या पाते हैं। प्रारंभ में शांति हम देखते हैं चारों तरफ उस पेड़ के, और अंत में भी हम देखते हैं कि चारों तरफ शांति। तो इसी तरीके से अब मैं डिक्टेट कर रहा हूँ प्रश्न, सुनिएगा कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज नंबर टॉप कंपोज बाई टेड हेजेस। The headlines of the poem are silence around the tree. Autumn season, total silence appears lifeless. Arrival of the goldfinch breaks silence as winter peeps the chicks fly away. Silence again means silence around the tree. When the poet reaches to the lavender tree, there is total silence. There is no kind of noise. There is no hushing and buzzing around the tree. Autumn season, it was the season of autumn. When the autumn season is called that season, when the leaves of the tree turned into yellow and start to fall down, and there are some leaves which are remained distinct. There is total silence, but and it looks as there is lifeless atmosphere. There is no person, there is no bird, there is no animal, and there is no people. It appears so, but it is not so. That is the lifeless atmosphere. Lifeless is not, it is lifeful, but there is peaceful atmosphere around the tree. That's why the poet says. And after some time, a gold finch tree arrives there. And she breaks the silence because it starts to chirp. When chirping is started by the bird, there is noisy atmosphere. Upon hearing the chirping sound of the bird, the bird's young ones are the chicks also start to chirp. They also start the twittering, and there is the hustle and bustle again. It is the chirping of the bird is like the engine, and engine makes a noise, and engine is the source of energy. In the same way, the bird is also the source of energy for her young ones, because she gives food to her young ones. And she feeds the chicks, her young ones, and when she feeds the chicks, the chicks are very happy. They are chirping. After performing the work, the bird flies away, and there is total silence. There is silence again. There are all kinds of chirping, twittering sound of the chicks also stops, and there is total silence again. The poet has also used the figure of speech in this poem, simile figure of speech. Because he says that the gold finch is like a lizard, मतलब gold finch एक छिपकली की तरह है, जो कि चिपकी हुई branch पर बैठी हो रहती है, तो that is called the simile figure of speech. Because there is comparison of the body of the gold finch has been compared to lizard. And that's why there is the figure of speech simile. The poet is very emotional hearing the song of the or the chirping sound of goldfinch and her chicks. And when the goldfinch flies away, there is again silence. So this is the conclusion of the poetry. You have to learn it. You have to write the question answers. I am sending you through the WhatsApp, and you have to note all the question answers, and you have to prepare since now. Thank you very much.